प्रोफेसर चौहान, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है सेल्फ अटेस्टेड का, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में रहता है, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की गई है स्टूडेंट के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है और एमपी डोमिसाइल मूल निवासी वो मध्य प्रदेश का है, लेकिन उसके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या होता था कि पहले वो फॉर्म फिल नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास प्रमाण पत्र नहीं रहता था। अब ये सुविधा प्रदान की गई है कि अगर मान लीजिए उसके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है या आय का प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्वप्रमाणित खुद ही कर सकता है, और करने के बाद वो जब वेरीफिकेशन कराने जाए तब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके उसको डायरेक्टली बेनिफिट वेरीफिकेशन करा सकता है। तो ये एक फैसिलिटी है जो स्टूडेंट को प्रोवाइड इस बार की गई है। जी बिल्कुल, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या एक बार जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर अलॉटमेंट प्रोसेस जो है कॉलेज का, यदि एक बार अगर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, क्या उसके बाद में स्टूडेंट उसे चेंज कर सकता है, क्या इसका भी कोई ऑप्शन है? जी हाँ, क्या होता है कि अगर स्टूडेंट ने मान लीजिए अपनी चॉइस फिल कर दी है और उसने अपने चॉइस के कॉलेजेस डाल दिए हैं, ब्रांच डाल दी है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश जैसे कि स्टूडेंट के नंबर कम हैं और उसको वो संबंधित उसकी पसंद की ब्रांच या कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो वो सेकेंड काउंसलिंग जब होती है तो उसमें वो अपग्रेड करके उसके बाद की जो चॉइस उसकी होगी उसको वो अपग्रेड करके उस संबंधित कॉलेज को या ब्रांच को डाल सकता है, जिससे कि उसको बाद में एडमिशन कम नंबर पर भी मिल जाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में दर्शक जुड़ रहे हैं पिपरिया से, शिवम इस समय फोन लाइन पर हैं, क्या जानना चाहते हैं शिवम, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम मुझे ये सवाल पूछना है कि एमटेक साइबर सिक्योरिटी में क्या स्कोप है अगर मैं उसको करता हूँ तो, बी इंजीनियरिंग के बाद। जी जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कंप्यूटर, अगर किसी को सिक्योरिटी फील्ड में, नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो वो इस फील्ड को ले सकता है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो आजकल हम जानते हैं कि हर फील्ड में सिक्योरिटी का बहुत अच्छा स्कोप है और हर फील्ड में हर जगह सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली इस फील्ड में भी कर सकते हैं। लेकिन इससे मैं बताना चाहूँगा, इससे संबंधित आपको एमटेक बहुत ही लिमिटेड या गिने चुने कॉलेजेस में ही मिलेगी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप इसमें कर लें। जी बिल्कुल, और प्रोफेसर वर्मा, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप एक्स ब्रांच से आप काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, किस तरह की ब्रांच है, कौन कौन से सेक्टर्स को कवर करती है और स्टूडेंट्स का इसमें फ्यूचर किस तरह का हो सकता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी। क्योंकि बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि एक्स ब्रांच लेने के बाद किन किन सेक्टर्स में वो जॉब कर सकते हैं। जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का फैसला करता है तो बच्चों के दिमाग में उस समय कोई आइडिया नहीं रहता है कि हमको किस सेक्टर में काम करना है। ईएक्स ब्रांच के बच्चे जिन सेक्टर्स में काम कर सकते हैं एक एक करके मैं बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट सेक्टर है बच्चों को काम करने का एक पावर सेक्टर। पावर सेक्टर का मतलब है कि वो सेक्टर यहाँ बिजली बनाने के उपकरण बनते हैं या बिजली यहाँ बनाई, पावर प्लांट यहाँ बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाने के उपकरण हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक महारत्न कंपनी जो बनाती है बिजली बनाने के उपकरण देश के अंदर, वो है BHEL। एंड जो कंपनी पावर को बना रही है, यहाँ से बिजली पैदावार होती है, वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके अलावा जो पानी से बिजली बन रही है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। न्यूक्लियर से जो बिजली बन रही है वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन। देन पावर ग्रिड जो पावर लाइन्स एंड बाकी चीज़ों को डील करता है, इन सब चीज़ों इस सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर इस तरह पावर सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सर्विस मिल सकती है। दूसरा सेक्टर है स्टील सेक्टर। जितने भी स्टील प्लांट्स हैं, जैसे सेल या प्राइवेट सेक्टर के जो स्टील प्लांट्स हैं, वहाँ इन लोगों को जॉब मिल सकते हैं। तीसरा सेक्टर है ऑयल सेक्टर, इंडियन ऑयल, ONGC, इन सारे क्षेत्रों में इनको जॉब मिल सकते हैं। देन इसके अलावा BRC के अंदर इनको जॉब मिल सकता है, टेलीकोमुनिकेशन की फील्ड के अंदर इनको जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अंदर इनको जॉब मिल सकते हैं, रेलवेज़ के अंदर इनको जॉब मिल सकते हैं। इसके अलावा ये लोग टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, मेटेरियल फील्ड के लोग। ये सारे सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के जिनके अंदर इनको जॉब मिल सकते हैं। इन सेक्टर्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर में ये जब पावर सेक्टर हो गए, स्टील सेक्टर हो गए, ऑयल सेक्टर हो गए, जितनी भी कंपनियाँ काम कर रही हैं, इन सारी कंपनियों में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के इंजीनियर्स को जॉब प्राप्त हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस है, सीमेंस है, पावर सेक्टर में हिंदुजा है, बजाज है,
इन सारी कंपनियां क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट करती हैं और ये इंजीनियर्स वहाँ काम करते हैं। आजकल जिस तरीके से कंट्री के अंदर मेट्रो रेल्स और बाकी रेलों का प्रचार प्रसार हो रहा है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी, सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या कहते हैं इन क्षेत्रों में भी काम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना करियर बनाते हैं उनके सामने बहुत ढेर सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस भी हैं। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो जॉब कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। और किस तरह से एडमिशन प्रोसेस में आप शामिल हो सकते हैं ये भी आज हमने जाना है। प्रोफेसर चौहान और प्रोफेसर वर्मा, आप दोनों ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपका धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।